आवाज से ही लग रहे हैं ना क्रंची, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपशिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। चाहे नवरात्रि व्रत हो या सावन के व्रत, बहुत ही चटपटा कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक झटपट और बहुत ही आसानी से बनने वाली आलू बड़ा की रेसिपी। आप चाहें तो इसे सिंपल व्रत में बनने वाली चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ इसे साबूदाना दही बड़ा स्टाइल में। तो चलिए आइए झटपट से इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं। साबूदाना आलू बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 मीडियम साइज के आलू, और इन्हें मैंने ऑलरेडी बॉईल करके छील कर ले लिया है। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। साबूदाना को मैंने रात में भिगो कर रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। और आप देखेंगे कि साबूदाना जो है वो इस तरह से बिल्कुल खिला खिला है। अगर आप इसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे या भिगो कर नहीं रखेंगे तो साबूदाना बड़ा बनाने में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही मैंने लिए है 1 कप दही, जिसे मैंने 1 चम्मच चीनी डाल के फैट कर रख लिया है। साथ ही हम लेंगे थोड़े से अनार के दाने। कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं धनिया के पत्ते, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्ची। साथ ही मैंने लिया है व्रत वाला सेंधा नमक, काली मिर्ची जिसे मैंने ताजा ही कूटा है, और साथ ही में जीरा पाउडर जिसे भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके और ताजा ही कूट कर लिया है। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल, और इसमें डालेंगे अपना भीगा हुआ साबूदाना। और अब हम इसमें जो हमारे उबले हुए आलू हैं उसे हम इस तरह से मैश करके डालेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप आलू को 1-2 घंटा पहले उबाल कर रखें और फिर फ्रिज में रख दें। इससे आलू में पानी पानी वाला फ्लेवर नहीं रहता है, या आप उसे माइक्रोवेव में बॉईल करें तो आलू में ज़्यादा पानी वाला फ्लेवर नहीं रहता है, तो आलू जो है वो इसे बहुत अच्छी बाइंडिंग देता है। मैं इसे साथ साथ में ही साबूदाना के साथ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें साबूदाना वड़ा बनाना है तो आलू की क्वांटिटी को हम उतना ही लेंगे जितना कि बाइंडिंग करने में यूज़ हो। तो मैंने थोड़े थोड़े आलू को मैश किया और साथ साथ में इसे बाइंड करती गई, और इस तरह से हमें इसका टेक्सचर बना लेना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम इसमें थोड़े से अदरक को कद्दूकस करके डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे इस तरह से डो बनाकर देखें कि अगर इससे हमारा बिल्कुल अच्छी गोल बॉल्स बन रही हैं तो यानी कि ये साबूदाना वड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैटर है। और अगर आपको लगे कि नहीं, बॉल्स अच्छे से नहीं बन रही हैं, तो आप इसमें थोड़े से आलू मैश करके और मिला सकते हैं। और अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा बैटर। अगर आपका बैटर हाथों पर चिपके तो आप हाथों को पहले अच्छे से क्लीन कर लें और फिर उस पर हल्का सा ऑयल लगा के बॉल्स बनाएं, लेकिन मेरा बैटर तो चिपक नहीं रहा तो मैंने इसे इसी तरह बनाया। और इस तरह से हमें लेमन साइज की बॉल्स तैयार करनी है। तो अब हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। सारी साबूदाना बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो इन बॉल्स को इस तरह से बनाएं और इसे इस तरह से हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए फ्लैट कर दें, तो आप इसे वड़ा स्टाइल में भी बना सकते हैं। अब हमारे सारे साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हैं, तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। मैंने यहाँ तेल गरम करना रख दिया है, और मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ कि आप इसमें इस तरह से मूंगफली को हल्का क्रश करके डाल सकते हैं। मुझे मूंगफली सूट नहीं करती इसलिए मैंने इसे नहीं डाला, इससे बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आ जाता है, तो आप डाल सकते हैं इसे। और एक चीज आप और कर सकते हैं कि इस तरह से बॉल लें और इसे हल्के हल्के हाथों से हल्का फ्लैट करें, और इसके बीच में आप चाहें तो थोड़ा सा किशमिश या अगर आप चाहें तो एक काजू इसमें स्टफ कर दें और इसे वापस से बॉल की शेप दे दें। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट स्टफ्ड साबूदाना आलू बड़ा भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, और तेल गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने इसमें बैटर का थोड़ा सा पोर्शन डाल के देखा है, और ये डालते ही ऊपर आ गया, यानी कि तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें अपने सारे साबूदाना वड़ा को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में रखेंगे, नहीं तो जो वड़ा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ब्राउन हो जाएगा। और ऑयल में डालने के जस्ट बाद ही हमें इसे हिलाना नहीं है, इसे एक साइड से थोड़ा अच्छे से पकने दें। अगर आपने इसे कच्चे को हिलाया तो ये वड़ा जो है वो टूट जाएंगे।
जब ये एक साइड से आपको दिखने लगे कि हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो हल्के हाथों से इसकी साइड चेंज कर दें और ज्यादा बारी बारी आप इसे नहीं हिलाएं। और अगर आपको साबूदाना वड़ा बनाने की ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में दी गई घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपके फोन में भी इसी तरह से ही घंटी बजेगी। इस तरह से हमारे सारे साबूदाना वड़े गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हैं और इसे हम इस तरह से साइड करते हुए ताकि एक्स्ट्रा तेल इसमें से निकल जाए, और इन्हें हम किचन टिश्यूज पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयली पेपर सोख लें। और अगर आप ऐसी और भी व्रत की रेसिपीज चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो मैंने पूरे मंथ व्रत किए हैं, तो मैं डेली एक रेसिपी बना रही हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं सारी व्रत रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तेल में कुछ धनिया के पत्ते या कुछ पार्ट रह जाते हैं तो उन्हें हम निकाल देंगे और मैं इस तरह से अपने बाकी के साबूदाना वड़ा को भी फ्राई कर लूंगी। मसाले जो है वो आप अपने हिसाब से, जो भी चीजें आप व्रत में इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से ही लें। हमारे सारे साबूदाना वड़े जो हैं वो गोल्डन क्रिस्पी होकर तैयार हैं और आवाज से आपको पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और जितने ही बाहर से क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। और इस साबूदाना वड़ा को मैंने खाया था, ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और अब हम इस साबूदाना वड़ा से बनाएंगे साबूदाना दही वड़ा चाट। आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए दही में सोख करके भी रख सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, पर मुझे थोड़ा क्रंची क्रंची ही पसंद है, तो मैंने इसके ऊपर से दही सर्व की। अच्छे से आप इसके ऊपर दही डालें और साथ ही मैंने इसके ऊपर डाला है टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा एक चुटकी नमक, एक चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चुटकी मैंने यहाँ काली मिर्च डाली है। और साथ ही हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से अनार से और धनिया पत्ती से। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी या मीठी इमली खजूर की चटनी भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे बिल्कुल बहुत ही सिंपल से वे में बनाया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने तो खा लिए भाई, अब आप भी खा लीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।